गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर की तेजली खेल परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विज ने देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले असंख्य वीरों को श्रद्धांजलि भी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं 75वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आजाद होने के बाद हमने अपने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का चयन किया था, फिर संविधान सभा ने संविधान बनाया और इसको आज के दिन अंगीकार किया गया। हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। सारे विश्व में यहाँ का लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है। और सर, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर जी का आगमन हुआ और उनका मंदिर भी भव्य स्वागत भी हुआ और मंदिर भी बना है, उनके लिए क्या कहना चाहिए सर? नहीं, ये तो 500 वर्ष पहले बाबर ने हमें अपमानित करने के लिए हमारे मंदिर को, राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया था। अब मोदी जी के प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उस अपमान का हमने उसी स्थान पर मंदिर बनाकर उसका बदला ले लिया। उसके सारे देश में बहुत खुशी है। सर, राहुल गांधी आजकल यात्राएं कर रहे हैं एक बार फिर और कई तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं कि मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे आप? और वो तो कहते हैं कि राम लहर भी नहीं है। जी, देखिए, राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो राम को मानता है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह इतने ज्ञानी पुरुष हैं कि वह स्टोव में कोयला डालकर चलाते हैं। अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने का सिलसिला लगातार जारी है। जितने भी टूटे फूटे अस्पताल और PHC हैं, उनको गिराकर पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।